जहां जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। मित्रों मित्रों, मैं तुम्हारा भाई हूं। फिर कहीं और जाएंगे कहेंगे मित्रों मैं तुम्हारा चाचा हूं। मित्रों दादा हूं। बनारस गए कहते हैं मित्रों मित्रों, गंगा मां ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है। हाँ, गंगा सबकी मां है, एक ही बेटा मिला गंगा मां को पूरे हिंदुस्तान में, वो भी गुजरात से उठा के लाए उसको। आओ आओ आओ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में देखा मेरा बेटा कहां है कहां है कहां है, देखो बैठा हुआ है गुजरात, उसको बुलाओ उसको बुलाओ, यूपी में बुलाओ उसको, जरूरत है, यूपी के लोग कुछ नहीं समझते हैं, गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया। घमंड देखना है तो ऐसा देखो, बनारस ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा आता है, सौदेबाजी शुरू करता है, माताजी आपने मुझे बुलाया, सौदा शुरू करते हैं, माताजी आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओगे अगर गंगा मां अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाएगी, उसके बाद बेटा काम शुरू करेगा। ये देखो लिस्ट लाया हूं वायरों की, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो बनारस में मैं मेट्रो रेल लगा दूंगा, रिंग रोड बना दूंगा, गंगा मां गंदी है उसको मैं साफ कर दूंगा, बनारस जिसको मैंने अपनी मां कहा वो गंदा है उसको मैं साफ कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी दिलवा दूंगा, सोलर लैंप लगवा दूंगा, मुफ्त में इंटरनेट दिलवा दूंगा, भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा, मगर पहले माताजी मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। फिर प्रधानमंत्री बने, बनारस पास में है, जाओ देखो बेटे ने अपनी मां के लिए क्या किया, रिंग रोड बन गई, इंटरनेट मिल गया, गंगा साफ हो गई, बात समझ आई। आते यहां कहते हैं मित्रों मुझे वोट दो, बीजेपी को यहां चुनाव जिताओ, मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आपको याद है मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, याद है? क्या मनमोहन सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे क्या? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। मोदी जी आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, अगर आपको किसानों का कर्जा माफ करना है आप जाइए घर, अपना पेन उठाइए, कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, कागज साइन कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ काम हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में आके सौदेबाजी मत कीजिए, आप गन्ना किसानों से सौदेबाजी मत कीजिए, आप झूठे वायदे मत कीजिए, कर्जा माफ करना है तो आपके हाथ में जाके कर दीजिए। डर लगता है तो नफरत फैलाते हैं, पता लग रहा है कि भाई चुनाव जा रहा है, बात नहीं बन रही, युवाओं की सरकार आ रही है, तो जो नफरत उनके दिल में है वो बाहर आनी शुरू होती है, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश मोहब्बत का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नफरत का प्रदेश नहीं है। यह प्रदेश, इस प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान को मोहब्बत का रास्ता दिखाया था। मोदी जी, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आपको हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री चुना है, आप जाइए प्रधानमंत्री का काम कीजिए। जो वायदे आपने किए, 15 लाख रुपए का वायदा, किसानों की कर्जा माफी का वायदा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा, आप वो वायदे पूरे कीजिए। अगर आप वो वायदे पूरे नहीं करेंगे, 2019 में वापस आपको हम गुजरात भेज देंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को बदलने का काम हम करेंगे। आप सब यहां आए, गर्मी का समय है, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी।